This is me, Mirza. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to solve the problems related to the electromagnetism. हमने सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर हमने कवर कर लिया, जैसा कि आपने देखा था सारे पिछले वीडियोस में हमने सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला चैप्टर कवर कर लिया। तो आज बारी है उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की, क्योंकि एग्जाम्स में आ जाते हैं प्रॉब्लम्स, जो हमने फार्मूला सीखे उसमें से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो हम ये ज़रूरी थी ना कि ये ही प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में आए, लेकिन इसके जैसे ही आ सकते हैं, हमें इनसे क्या मिलेगी, एक हिंट मिलेगी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की। तो शुरू करते हैं पहला प्रॉब्लम, जो कि आपके सिंथ टेक्स्ट के बुक में गिवन है। तो सबसे लिखा हुआ है कि अ वायर कैरिंग 4 एम्पियर करंट एंड हैज लेंथ ऑफ द 15 सेंटीमीटर बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट एस्केप्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ 0.8 हेज़ला। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर। जो फोर्स है वो हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हमने क्या करना पड़ता है, हमें डेटा लिखनी पड़ती है। जो भी डेटा होती है उसके रिलेटिव हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेटा लिखेंगे, और जो जो चीज़ें हमें मिलती जाएंगी वो हम लिखते जाएंगे। जैसे कि करंट सबसे पहले लिखा हुआ है तो वो हम लिखते जाएंगे। जैसा कि करंट कितना मिला है हमें, 4 एम्पियर दिया गया है, और जो लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और उसके बाद जो एंगल है वो कितनी है, 30 डिग्री है, और जो फील्ड है वो कितनी है, 0.8 हेज़ला, और जो फोर्स है वो हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। ये सारी हमें डेटा लिखनी है, क्योंकि हम डेटा नहीं लिखेंगे तो हमारी 5 मार्क्स का अगर प्रॉब्लम होगा तो 3 मार्क्स वैसे ही कट जाएंगी। 2 मार्क्स होती हैं आई थिंक किस पे जो आंसर होता है उसमें, तो बाकी हर किसी का अलग तरीका होता है चेक करने का। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में हमें फार्मूला याद है कि तो फोर्स बराबर होता है BIL sin थीटा। तो फोर्स ऐसे है, बी कितना है, 0.8 है, और जो करंट है वो कितना है, 4 एम्पियर है, और जो लेंथ है, लेंथ हम इसको 15 सेंटीमीटर को पहले कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर्स में, तो कितना आएगा, 0.5 मीटर। क्योंकि हमें फिजिक्स में कोई भी हमें मिला होगा अगर किसी भी क्वांटिटी, तो वो हमें उसमें पहले क्या करने पड़ेगा, उसको कन्वर्ट करने पड़ेगा किस में, मीटर में। ये करना ज़रूरी है, तो प्रॉब्लम से में कोई भी आंसर नहीं आएगा। तो ऐसा यूनिट में सबसे पहले हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 से, और यहाँ पे sin 30, तो फोर्स हमें क्या मिलेगी, 0.8। मल्टीप्लाई करेंगे हम सारा ये लिखेंगे, और 0.15, और जो sin 30 होता है वो किसके बराबर होता है, 0.5 के। तो जब हम ये सारा कैलकुलेट करेंगे तो जो फोर्स हमें मिलेगी वो आएगी 0.254 न्यूटन। तो ये था पहले आंसर का जवाब। ये हमने आंसर तो निकाल लिया ही, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, तो हमें इसको समझना भी चाहिए। तो ये के क्या कर रहा है कि ये हमने एक ले लिया, मैग्नेट ले लिया, ठीक है, अब मैग्नेट ले लें, ठीक है, तो वो नॉर्थ होता है, तो नॉर्थ से लेकर साउथ का मैग्नेटिक फील्ड जाती है, ठीक है, तो हमने इसमें एक क्या रख दिया, कंडक्टर, और जिसकी लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना, 4 एम्पियर, और इस दोनों में जो एंगल बन रही है वो कितनी है, 30 डिग्री एंगल है, और इस पे जो फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो था, अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रॉब्लम की। दूसरा प्रॉब्लम है, अ स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.7 टेस्ला मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन ऑफ लूप, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द लूप। ये जो प्रॉब्लम है, जो हमने टॉर्क वाली जो टॉपिक थी जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था, अगर टॉर्क वाली आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो वो देखे हैं, तो टॉर्क का फार्मूला हमने सारा पढ़ा था, तो उसके बेसिस पे ये जो है प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेटा लिखेंगे, जैसे कि हमें पता है डेटा, जो जो चीज़ें हैं वो हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमें लेंथ मिली है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में, मतलब कि ऐसा यूनिट में। तो लेंथ कितनी आ गई, 0.02
मीटर में, ठीक है। और जो कह रहा है कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, एम्पियर जो करंट है वो कितना है 2 एम्पियर, और यूनिफॉर्म जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है 0.7 टेस्ला, और जो एंगल है वो थीटा है वो कितनी है 30 डिग्री, और जो हमें टार्क है वो हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। तो हमें पता है कि टार्क क्या फार्मूला है, टार्क का क्या फार्मूला है, बी आई ए कॉस अल्फा। तो हम इस पर क्या देते थे, नंबर ऑफ टर्न्स देते थे, लेकिन इसमें नहीं मेंशन किया नंबर ऑफ द टर्न्स, तो कोई बात नहीं, हम ऐसे भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स इतना ज़रूरी नहीं है, होगे तो करेंगे वरना नहीं। तो टार्क हम कैसे फाइंड करेंगे, ये क्या है 0.7, करंट हमें क्या मिली है, करंट 2 एम्पियर, ठीक है। और जो एरिया है, एरिया तो हमें मिली नहीं है, हमें क्या मिली है एक लेंथ मिली है, तो लेकिन हमें इस लेंथ को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एरिया में। हमें पता है कि जो स्क्वायर की एरिया हम किस तरह से फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर हम फाइंड करते हैं, एल को हम दे दें स्क्वायर, तो ए किसने मिलेगी, 2 को हम मतलब कि 0.2 सेंटीमीटर को हम क्या कर दें स्क्वायर कर दें, तो हमें क्या मिलेगी 0.02, तो हमें क्या मिलेगी 2 × 10⁻⁴, हमें ये मिलेगी एरिया, तो वो हम पुट कर देते हैं 2 × 10⁻⁴। और कास 30 की वैल्यू कितनी होगी, कास 30 डिग्री हमें कितनी मिलेगी, तो ये वैसा का वैसा 0.7, और ये 2 भी वैसा का वैसा, और 2 × 10⁻⁴ भी सेम, और cos 30 हमें कितनी मिलेगी 0.866। और जब हम इसको कैलकुलेटर के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो जो टार्क की वैल्यू आएगी वो 10⁻⁴ न्यूटन मीटर, ये टार्क का क्या है यूनिट है। सर तीसरा प्रॉब्लम है जो रिलेटेड है ट्रांसफार्मर के, जो हमने फार्मूला पढ़ा था ना VS/VP = NS/NP, उसके रिलेटेड है। तो पढ़ते हैं, अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेंस 220 वोल्ट सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई इफ देयर आर 220 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल, देन फाइंड द नंबर ऑफ द टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। तो नंबर ऑफ द टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डेटा लिखेंगे। तो ये क्या है, ये क्या है, एक ये क्या है प्राइमरी वोल्टेज है, तो वी पी हमें कितना मिलेगा 220 वोल्टेज, और वी एस हमें कितना मिल रहा है 12 वोल्ट। तो ये क्या कर रहा है, प्राइमरी वोल्टेज को क्या कर रहा है, उसका वोल्टेज जो वो घटा रहा है, तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो और एन एस एन पी हमें कितना मिल रहा है 220 वोल्ट, और हमें टर्न्स मिल रहे हैं, और हमें क्या फाइंड करना है, एन एस फाइंड करना है। तो ये है फार्मूला, तो हम इसे क्या सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे, और जो वी एस है वो कितना 12 है, और वी पी कितना है 220 वोल्ट, और इसको एन एस हमें फाइंड करना है, वो वैसा का वैसा एन पी 220। तो ये से यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा 20 × 200 ns, तो ये हो जाएगा एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये ns कितने बराबर आया, यहाँ पे कितना बचा 10, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ns कितने आए 120। तो ये है आपका आंसर जो है तीसरे का। तो आप बढ़ते हैं चौथे की तरफ, जो कि चौथा प्रॉब्लम है जो कि रिलेटेड है ये म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो हमने म्यूचुअल इंडक्शन अच्छी तरह पढ़ लिया था, तो ये इजी होगा, फार्मूले अगर हमें याद होंगे तो हम इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, अकाल कॉइल सराउंडिंग अ लॉन्ग सोलेनोइड, द करंट इन द सोलेनोइड इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 150 एम्पियर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 150 एम्पियर मतलब के रेट चेंज हो रहा है, एंड द म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ द कॉइल इज 5.5 × 10⁻⁵ हेनरी, डिटरमाइन द ईएमएफ। ईएमएफ हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेटा
डेटा में जो है सबसे पहले जो हमें करंट दे रहा है चेंज इन करंट, मतलब कि चेंज इन करंट कितना मिल रहा है, हमें मिल रहा है कि कितना 150 एम्पीयर पर सेकंड, मतलब कितना है 150 एम्पीयर पर सेकंड। और जो डेल्टा टी है वो मतलब सेकंड ही है, ये हम वही करेंगे सही है, मतलब कि ये हमें इतना मिल रहा है डेल्टा आई अपान में डेल्टा टी बराबर है 150 एम्पीयर पर सेकंड के। और जो इंडक्शन है कॉइल की, म्यूचुअल इंडक्शन जिसको हम एन से शो करते हैं, वो कितनी है 5.5 × 10⁻¹⁵ हेनरी, ये जो यूनिट है म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन दोनों का यूनिट है। और उसके अलावा हमें ईएमएफ जो है वो फाइंड करनी है, हम पढ़ के फाइंड करनी है फार्मूला हम पढ़ के आए, जो कि फार्मूला है वो क्या होता है, ईएमएफ बराबर होता है जो म्यूचुअल इंडक्शन में वो किसके बराबर होता है माइनस एम डेल्टा आई अपान डेल्टा टी। तो ईएमएफ म्यूचुअल इंडक्शन का करने के, ये एम हम म्यूचुअल इंडक्शन को शो करते हैं माइनस वैसा का वैसा, एम बराबर है 5.5 × 10⁻¹⁵। और जो ये कितने के बराबर है मल्टीप्लाई बाय 150, तो ई एम एफ 5.5 वैसा ही रखेंगे माइनस और 10⁻¹⁵ और मल्टीप्लाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻¹⁵, तो ई एम एफ क्या आ जाएगा माइनस वैसा का वैसा, और 5.5 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई एम एफ कितना है 8.25 × 10⁻⁴। पॉइंट हम देंगे ए के बाद, मतलब के 82.2 के बाद, तो ये आ जाएगा पॉइंट, अगर हम इसको रखेंगे तो 82.5 × 10⁻³। तो ये है आपका जो आप आपके बुक में, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में दूसरा चैप्टर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।